हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंटो। सो आज हम बात करने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर की। ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कहाँ से लाया है, इसका यूज़ क्या है, इसका फार्मूला क्या है, और इसको अक्सर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव्स में पढ़ाया जाता है। और अगर वेंट ऑफ फैक्टर से अगर मुझे कुछ समझ में आता है तो मुझे क्या समझ में आता है, हम इन सारे क्वेश्चंस का आज समझने की कोशिश करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में देखा जाए तो 12th स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव्स में पढ़ाया जाता है। और वेंट ऑफ फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आता है जब आप सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव्स की बात करते हो, खासकर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हो, और खासकर जब आप एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हो। तो आपके पास अगर एक वेंट ऑफ फैक्टर की मैं कोई वैल्यू देता हूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं वेंट ऑफ फैक्टर इज 2 या मैं बोलता हूं वेंट ऑफ फैक्टर इज हाफ, तो आपको इस वैल्यू से बहुत समझ में आ जाता है सॉल्यूट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। नाउ वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे। यानी अगर आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन चेंज होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। माइंड इट ओनली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये डिपेंड नहीं करता कि मेरा सॉल्यूट कैसा है, गोरा है, काला है, हरा है, नीला है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कितना है, लाइक 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, और रेदर अगर मैं सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलूं तो मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूट का। आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशंस में जब पढ़ा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब सॉल्यूट की बात करेंगे तो हम सॉल्यूट को मोल फ्रैक्शन से डिनोट करेंगे, एंड मोल फ्रैक्शन कैन बी डिनोटेड बाय दिस, इसको आप एक्स समझ सकते हो या आप काई समझ सकते हो। एंड यहां पे हम लोग ऑलवेज आइदर 2 लिखूंगा या मैं आइदर बी लिखूंगा, दैट स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ 1 या एक्स ऑफ ए लिख रहा हूं, दैट स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्वेंट। नाउ मुझे समझना ये है कि कौन सी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एज वेल एज आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। नाउ ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, या मैं कॉलिगेटिव नहीं कहता, चलो इनको अभी तक मैं कहता हूं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। हम सबको पता है कि अगर हम एक वाटर लेते हैं, लेट अस से हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, लेट्स से 1 लीटर H2O लेते हैं, मुझे पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है, वी ऑल नो इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, एंड वी ऑल नो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है, ये प्योर वाटर का है जिसके अंदर कुछ भी अदर स्टफ या एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट नहीं होगी, इट शुड बी अ प्योर वाटर। लेकिन अगर आप इसी के अंदर कोई सॉल्यूट डाल देते हो, इफ यू पुट अप एनी सॉल्यूट, और लेट्स से अगर स्लैंग भाषा में बोलूं तो आप अगर इसके अंदर कोई सॉल्ट डाल देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल नमक डाल देते हो या यूरिया, या यूरिया इज नॉट अ सॉल्ट, आप कुछ भी सॉल्ट डाल देते हो, सॉल्यूट डाल देते हो, इट कैन बी एन इलेक्ट्रोलाइट और इट कैन बी अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑब्वियसली अब ये जो 1 लीटर पानी है, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं होगा, सिंस उसके अंदर सॉल्यूट आ गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। मे बी ये 110 पे बॉइल होगा, मे बी 102 पे बॉइल होगा, या मे बी कितने डिग्री पे बॉइल होगा वो डिपेंड करता है आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया। अगर यही वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, अगर आपने इसके अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया है, तो अब ये 0 से नीचे फ्रीज होगा, मे बी -1 पे होगा, मे बी -2, -3, आई डोंट नो वेयर इट विल फ्रीज। तो जो भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इट विल डिपेंड कि आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया है। सो डोंट यू फील कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आएगा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द टाइप, इट वॉन्ट डिपेंड कि वो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वो कितना है, हाउ मच, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट सॉल्यूट, इज इट 1 मोल, इज इट 2 मोल, आइदर मोल फ्रैक्शन इज 0.1, मोल फ्रैक्शन इज 0.2, या मोल फ्रैक्शन इज 0.9, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। नाउ इसी चीज को हम यूज करके विल ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट डू यू मीन बाय वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ जब आप वेंट ऑफ फैक्टर की बात करते हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूट आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप। Let us classify solute. So let me say solute will be of 2 type. One will be called as electrolytes and other will be called as non-electrolytes. Now basically what do you mean by electrolytes? Sir, electrolytes ki sabse badi khasiyat ye hoti hai ki whenever they are dissolved in a solvent, hum yahan universal solvent se baat karenge, let us say water mein jab bhi aap dalte ho, they get dissociated into ions, cations and anions. Jaise for example NaCl, sir NaCl aap ek NaCl ko le lo, par ye pani mein jane ke baad ek Na+ banayega aur ek Cl- banayega, to dalte samay to aapne ek molecule dala NaCl ka, par pani mein jane ke baad do ions
बन जाएंगे, दैट विल बी वन एन ए प्लस, अदर विल बी सी एल माइनस. आप AlCl3 ले सकते हो, AlCl3 आप डालोगे तो एक ही AlCl3 पर पानी में जाने के बाद वो 1 Al3+ बनाएगा और 3 Cl- बनाएगा. तो आपने डाला तो एक ही था, पर अंदर जाने के बाद वो 4 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है जो पानी में जाने के बाद कटायंस और अनायंस में डिसोसिएट हो जाती है. वैसे जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो लोग होते हैं जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होते. भाई आपने अगर 10 मॉलिक्यूल डाले हैं तो वो 10 के 10 ही रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया, सो यूरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय NH2C डबल बॉन्ड O NH2. सो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, अगर आप यूरिया को पानी में डिसोसिएट करते हो तो या डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट नहीं होता है, यानी इसमें से H+ या OH- या कहीं भी कुछ भी क्लीवेज नहीं आता है. सो ये मॉलिक्यूलर एंटिटी इसकी एकदम वैसे की वैसी रहती है. अदर एग्जांपल लेट अस से ग्लूकोज. सो आप ग्लूकोज का कोई सोल्यूशन ले लो, आप ग्लूकोज को वाटर में ऐड कर दो तो सर वो डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट नहीं होता. यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्व. डिसॉल्व तो नमक भी होता है, डिसॉल्व शुगर भी होता है, पर दोनों में फर्क ये होता है कि शुगर का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता पर नमक का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसका सिंपल रीजन ये है कि नमक डिसॉल्व ही नहीं डिसोसिएट भी होता है और ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता है. तो ये दो टाइप्स के हमारे पास सल्यूट है. बेसिकली हमको इनसे ही लेना देना है जब हम वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर. सो लेट अस से कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 1 लीटर ऑफ वाटर को लिया हुआ है. 1 लीटर ऑफ वाटर, हम स्टैंडर्ड कंडीशन से चलेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, मैं जो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में होते हैं. यहाँ पे मैं साइंटिफिक चीज़ों को थोड़ा निग्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सके, इनका रियल मीनिंग क्या है. मैं साइंटिफिक या एकदम डेफिनेशन के वर्ड्स में नहीं जाता क्योंकि फिर वो समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. तो लेट अस से मेरे पास 1 लीटर पानी है और इस 1 लीटर पानी का मुझे पता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए इट हैज टू बी 110 डिग्री सेल्सियस. लेट अस 100 डिग्री सेल्सियस, लेट अस से इट शुड बी 100 डिग्री सेल्सियस. वी ऑल नो उसका थियोरेटिकल वैल्यू. अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्स वाई डालता हूं. 10 मोल्स या मॉलिक्यूल्स या मोल्स, हम मॉलिक्यूल्स की भाषा में बात कर दे चलो. सो मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट इसके अंदर डाला. अब ये सल्यूट कैसा है मुझे पता नहीं है, मैं इस सल्यूट को यहाँ पे डालता हूँ. सो सल्यूट कितना डाला है यानी वेट ऑफ सल्यूट मुझे पता है, आई नो द वेट ऑफ सल्यूट. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट सर, लेट अस से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट भी मुझे पता है, फॉर टाइम बीइंग मैं मान लेता हूँ कितना है. मुझे पता है वो ग्लूकोज है कि यूरिया है कि नमक है, व्हाट इट इज आई नो द मॉलिक्यूलर मास. सर मैंने वाटर को 1 लीटर किया है, अगर मैं डेंसिटी के हिसाब से जाऊँ तो मुझे पता है वेट ऑफ सल्यूट कितना है. तो अगर डेंसिटी वाटर की 1 होती है 27 डिग्री सेल्सियस पर इट विल बी 1 kg, तो मेरे पास पानी कितना है ये भी मुझे पता है. Okay, so जैसे ही मैं सल्यूट को इसके अंदर ऐड करूंगा तो मुझे पता है, मैं थ्योरेटिकल कंडीशंस लाऊंगा. थ्योरेटिकल कंडीशंस यानी मैं ये देखने की कोशिश करता हूं कि मेरा पानी अब कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना चाहिए, वो बॉईल कितने पे होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए. अब मैंने इतना ग्राम ये डाला, इतना ग्राम ये डाला, एंड आई नो कि मैंने कितनी चीजें डाली हैं, तो आई कैन इजिली कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी पानी कितने से अब इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, आई नो द फॉर्मूला, दैट विल बी KB इनटू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. एवरीथिंग शुड बी इन केजी. अगर केजी में नहीं है तो हम अगर वो ग्राम्स में है सो वी मल्टीप्लाइड बाय 1000. नाउ सर दिस इज कॉल्ड एज मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू दिया होता है. सो अगर मुझे KB का वैल्यू पता है, अगर मैंने सल्यूट कितना डाला है वो मुझे पता है, सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है अगर वो मुझे पता है, मैंने सॉल्वेंट कितना लिया है उसका क्वांटिटी मुझे पता है, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि मेरा बॉइलिंग में एलिवेशन कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना आएगा. लेट अस से मैंने थियोरेटिकली वैल्यूज को पुट अप करके कैलकुलेट किया और मुझे पता चला कि इट शुड बॉइल एट 110 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट शुड बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 110 इज द बॉइलिंग पॉइंट, बट व्हाट इज द एलिवेशन, द एलिवेशन इज 10 डिग्री सेल्सियस. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होना चाहिए. दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू. तो एक काम करते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं. मान लो आपने 10xy को लिया, 10xy को पुट अप किया, आपने देखा कि 100 पे बॉइल होना चाहिए, आप उसको बॉइल करना स्टार्ट किया और पता चलता है यार ये 110 पे नहीं, इट इज बॉइलिंग एट 120 डिग्री सेल्सियस. इट इज बॉइलिंग एट 120 डिग्रीज. अरे पर 110 पे बॉइल होना चाहिए था ना, बिकॉज मुझे पता है मैंने कितना नमक डाला है, मुझे पता है मैंने कितना सल्यूट डाला है, उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है, और मुझे ये भी पता है कि मैंने सॉल्वेंट कितना लिया है. जब मैंने कैलकुलेट किया तो इट केम आउट टू बी 110 डिग्री सेल्सियस.
बट व्हाई इट इज बॉइलिंग एट 120 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब सिंपल है कि चेंज 10 का आना चाहिए था, पर चेंज कितने का आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का. डोंट यू फील द चेंज इज डबल? 10 का चेंज आना चाहिए था पर 20 का चेंज आ रहा है. सो सर व्हाई दिस चेंज, ये चेंज क्यों आया होगा? सो सर ये चेंज मे बी इसलिए आया होगा कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ किया होगा. मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ मैंने किया होगा, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं मेरे सल्यूट में प्रॉब्लम है. मेरे सल्यूट में प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि 10 का चेंज आना चाहिए था, 20 का चेंज आया. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर मैंने 10 XY डाला है तो अंदर जाके 20 पार्टिकल्स हो गए हैं. अब अगर अंदर जाके 20 पार्टिकल्स हो गए हैं तो इसका मतलब ये 10x प्लस में डिसोसिएट हुआ है और ये 10y माइनस में डिसोसिएट हुआ है. सो डालते समय तो मैंने 10xy डाला पर अंदर जाने के बाद 20 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया. सिंस वो 20 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आया, वो 20 पार्टिकल्स के हिसाब से आया. थ्योरेटिकली आना कितने पार्टिकल के हिसाब से चाहिए था? 10 पार्टिकल के हिसाब से. तो अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे कि आपका ये जो एक्स वाई है, इसका सिंपल मीनिंग ये होगा कि आपका ये एक्स वाई जो है ये क्या हो गया, ये आपका एक्स वाई इलेक्ट्रोलाइट हो गया है. तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया है वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितनी टाइम्स ज्यादा है. अब मैंने इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10xy अंदर जाने के बाद 10xy ही रहेगा, यानी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट शुड बी अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट एक्चुअली वो निकला इलेक्ट्रोलाइट तो प्रॉपर्टी डबल हो गया. तो नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू कि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से उसी कॉन्सेंट्रेशन का, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा मतलब अगर 10AB होता जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता, तो 10AB अगर 10 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन प्रोड्यूस करता तो 10XY ने 20 डिग्री का एलिवेशन प्रोड्यूस किया. इसका मतलब AB इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड XY इज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज हाउ मेनी टाइम्स द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो दिस हाउ मेनी टाइम्स दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज वेंट ऑफ फैक्टर. तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया. तो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेंट ऑफ फैक्टर. तो ये वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? सो लेट अस से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट. सो आई विल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हाट विल बी I का वैल्यू? I विल बी इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय colligative property for an non-electrolyte. Now what is the colligative property for an electrolyte? Sir, electrolyte ka colligative property yahan pe kitna aaya? 20. So this will be 20 divided by what is the colligative property for your non-electrolyte? So 10 aana chahiye tha. So it will be divided by 10. The answer comes out to be 2. I hope this is very clear. So what I can say that Van't Hoff factor will tell you about the colligative property of an electrolyte is how many times the colligative property of the same concentration of a non-electrolyte. मतलब आपका अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर आपका एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितने टाइम्स ज्यादा होगा. अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ज्यादा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. लेट अस से कि आपके पास एक आपने जो नमक डाला है, लेट अस से ए बी आपने जो डाला, एक्स वाई जो आपने डाला है. सर मैंने ए बी डाला, मेरा प्रॉपर्टी आना चाहिए था 110 पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे. अगर मैंने एक्स वाई डाला 10xy तो मेरा प्रॉपर्टी आ गया 120 पे. लेट अस से अब मैंने डाला है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पी क्यू. तो सर 10 मॉलिक्यूल्स है ना, तो वापस से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इट शुड बॉइल एट 110 डिग्री सेल्सियस. बट द प्रॉब्लम इज जब मैंने पी क्यू डाला तो इट स्टार्टेड बॉइलिंग एट 105 डिग्री सेल्सियस. यानी चेंज कितने का आ गया? ओनली 5 डिग्री सेल्सियस. सो सर व्हाट यू विल से? सर हाफ हो गया ना सर, 10 मॉलिक्यूल डाला, इट शुड बॉइल एट 10 मॉलिक्यूल, अब हाफ हो गया, तो व्हाई इट हैज रिड्यूस? तो इसका सिंपल रीजन ये हुआ होगा कि डालते समय तो आपने 10 मॉलिक्यूल डाला पर अंदर जाके मे बी शायद वो सिर्फ 5 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया. और ऐसे कैसे 5 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया? 10 पार्टिकल 20 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, समझ में आता है कि डिसोसिएट हुआ होगा. 10 पार्टिकल 5 पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल, अगर डिसोसिएशन होता है तो एसोसिएशन भी हुआ होगा. मतलब मेरा पी क्यू एक पार्टिकल
मेरा एक पार्टिकल ऑफ पी क्यू दोनों ने एसोसिएट किया और ये इन्होंने बनाया पी क्यू बॉन्ड पी क्यू और ये दो एक दो मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया. दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन. ये यूजुअली होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ. जैसे आप एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हो तो वो डिसोसिएट होने की बजाय एसोसिएट होना पसंद करता है. सो दिस आर द फ्यू प्रॉपर्टीज जहां पे आपके मॉलिक्यूल फ्यू कंपाउंड्स जहां पे आपका मॉलिक्यूल एसोसिएट होने की डिसोसिएट होने की बजाय एसोसिएट होता है. तो मैं यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ डिसोसिएट ही नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट भी होते हैं. और अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो रहा है तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे नॉन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले कम आएगा. और अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले ज्यादा आएगा. एम आई वेरी करेक्ट? तो सर अब मुझे बताओ इस केस में मुझे वैल्यू क्या आया? 2 आया. तो ये वैल्यू किसका 2 आया? जब मेरा एक्स वाई डिसोसिएट हुआ. लेट अस से अगर मेरा ए पी क्यू एसोसिएट हुआ है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई का वैल्यू क्या होगा? सो इट विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना आया? 5 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन. उतने ही कॉन्सेंट्रेशन का नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. तो ए बी के लिए कितना वैल्यू आना चाहिए था? 110. यानी चेंज शुड बी 10. सो डिवाइडेड बाय 10. डोंट यू फील इट कम्स आउट टू बी Am I very correct? So, sir, Van't Hoff factor will tell you many things about your solute. जैसे for example, तो इसको wind up करने की कोशिश करते हैं कि what your Van't Hoff factor will tell you. So, let us say, अगर I का value comes out to be 1, मतलब क्या? सर जितना सोचा था उतना आया. इसका मतलब ये हो गया कि your colligative property for your electrolyte will be equal to colligative property for your non-electrolyte. तो आप क्या कहोगे कि आपका solute is an non-electrolyte. Simple? Now, if your I ka value is less than 1, now when I say I ka value is less than 1, I mean to say your colligative property for your electrolyte is less than colligative property for your non-electrolyte. Am I correct? Is case mein, I would say your solute is an इलेक्ट्रोलाइट. बट ये सर इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन आई का नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई विल से इट इज गेटिंग एसोसिएटेड. यानी आपने 10 मॉलिक्यूल डाला, अंदर जाके सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया. इफ आई का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो आई कैन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर योर इलेक्ट्रोलाइट विल बी ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इस केस में भी आपका सल्यूट क्या होगा? इट विल बी एन इलेक्ट्रोलाइट. बट इस केस में आपका मॉलिक्यूल क्या करेगा? डिसोसिएट. सो सर वेरी सिंपल, अगर आई का वैल्यू 1 आता है इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो मेरा सल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अगर आई का वैल्यू लेस देन 1 आता है इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अगर आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. आई होप दिस चार्ट विल बी वेरी यूजफुल. आई होप आपको यह भी समझ में आया कि वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है. और आई होप आप वेंट ऑफ फैक्टर से अगर कोई आपसे कहेगा कि नेक्स्ट टाइम वेंट ऑफ फैक्टर इज 2, तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है और वो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाकर डिसोसिएट हो गया है और वो इलेक्ट्रोलाइट ट्वाइस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट को करना चाहिए था. थैंक यू.